इश्क हुआ। अरे आमी अच्छी पारो, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए इश्क मूवी से एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर। इश्क मूवी सबाई देखे चिन ओटाते अजय देवगन, आमिर खान, जूही चावला और काजल थी। इस फिल्म ने बहुत ही धमाल मचाया, लोगों को पसंद आया। इंद्र कुमार ने ये डायरेक्ट किया था, लेकिन जहाँ पर आमिर और अजय थाकबे ओखाने प्रैंक ना होते पारे, एरकम होते ही पारबे ना, तो उस मूवी में दिलीप ताहिल भी थे। दिलीप ताहिल ने जब शूटिंग करने के लिए सेट पर आए तब अजय और आमिर खान मिले और साथ एक प्रैंक कर लो, जेखाने अजय और आमिर थाकबे ओखाने मस्ती ही मस्ती होबे, सेटे काम चलबे, साथ ही अनेक मस्ती होबे, अनेक प्रैंक होबे। तब ताहिल सेट पर शूट के लिए आए और जब शूटिंग के लिए वो तैयारी कर रहे थे दिलीप ताहिल, उसी दौरान अजय और आमिर ने उनके लिए एक बड़ा प्रैंक उन्होंने तैयार किया, जेटा के देखे सबाई हंसने लगे और इतने हंसे, लेकिन दिलीप की हालत बहुत ही खराब थी। क्या हुआ था बताएंगे आपको। जेवन क्या मैं बोल रहा हूँ कि आमिर और जहाँ पे अजय होंगे वहाँ पे फुल लॉन मस्ती होगा और प्रैंक भी बनता ही है। तो दिलीप के साथ उन्होंने प्रैंक किया, अजय ने एक बंदे को रिक्वेस्ट करके एक पाउडर मंगवाया, तारपर की होलो तखन आमिर खान दिलीपर साथे कुछ गुपचुप गुपचुप बातें कर रहे थे और उन बातों में उलझा के रखा। तारपर अजय आमिर के बोल लो ऐसे गेछे, यानी कि वो पाउडर आ गया है, जिसके बाद दिलीप के कपड़ों के अंदर आमिर खान ने वो पाउडर डाल दिया। ओ माय गॉड कि होलो एटा। तारपर दिलीप एमन भावे परेशान हो गेलो कि एमन लागे छिलो कि पूरा जो मच्छर है उनके कपड़ों में घुस गया है और वो इधर ऐसे 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 खुजाने लगे। लेकिन उसी बीच जेटा सेटे मानुष छिलो और जुड़े जुड़े हंस छिलो, यानी कि प्रैंक समझ में आ गया और दिलीप को भी समझ में आ गया कि आमिर खान और अजय देवगन मिले उधर साथे एक प्रैंक करे छे। इधर प्रैंक जो है वहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, दोनों ने उस प्रैंक को और भी आगे बढ़ाया। तो आपको वो गाना तो याद होगा, अखिया तू मिला ले राजा। जब ये गाना शूट हो रहा था उसी बीच आमिर खान और जूही चावला सेट पर बैठे थे। अच्छा, आमिर खान और जूही चावला एटा 7 नंबर सिनेमा। आमिर और जूही ने कयामत से कयामत तक फिल्म की साथ में लीड में थे और इसके बाद उन्होंने लगातार 5 फिल्में की। इसी बीच आमिर और जूही चावला की बॉन्डिंग खूब भालो है गेछलो। तारपर आमिर और जूही जो है इश्क मूवी में भी 7वें फिल्म में भी साथ नजर आए, लेकिन इसी बीच आमिर खान ने जूही चावला के साथ कुछ ऐसा किया, भारी गंडगोल करे दिलो। तारपर जूही चावला और आमिर खान के बीच 7 सालों तक बात बंद थी। क्यानो बोलबो आमी दारा नट्टू। आमिर खान और जूही चावला की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि इन्होंने इतनी सारी फिल्में साथ की थी। तो इसी बीच आमिर खान ने सेट पर, इश्क के सेट पर एक और प्रैंक किया। अरे प्रैंक टा कार साथे कर चिलो, जूही चावला साथे, क्योंकि और साथे और बॉन्ड खूब ही भालो चिलो। जूही चावला को उन्होंने सेट पर बोला कि मेरे को भविष्यवाणी आती है, हाथ देखना आता है, और जूही चावला आमिर खान के झांसे में आ गई। एक तो गंडगोल हो गेलो, जूही चावला और झांसे में आ गई। और इसके बाद जब जूही चावला ने अपना हाथ दिखाया तो आमिर खान ने हाथ पे थूक दिया, छी 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 छी, एक ही कौन लो आमिर खान। तारपरे जूही चावला सेट ही कांदा काटी कौन लो और चिल्ला के बोली कि मैं सेट पर कल से नहीं आऊँगी। सब ने सोचा ये मजाक है, किंतु एमन कोरे किच्छू है नहीं, ओटा मजाक छिलो ना। जूही चावला नेक्स्ट शूट पर नहीं आई, क्रू मेंबर और पूरा सेट तैयार था शूटिंग के लिए। आमिर खान, अजय देवगन, दिलीप ताहिल सब वेट कर रहे थे, किंतु जूही चावला आइलो ना। तारपरे जो डायरेक्टर छिलो इंद्र कुमार ओ बुझलो कि एटा प्रैंक ना, एटा सीरियस होए गए छे। तारपरे की होलो, इंद्र कुमार अजय देवगन और आमिर खान को लेकर जूही चावला के घर गए और जूही चावला के घर जाने के बाद उन्होंने उसको समझाया बुझाया, नेक्स्ट डे वो शूट पे आ गए। जूही चावला जब नेक्स्ट डे शूटे ऐसे छे, तारपरे आमिर खान ओके रात देखा लो कि कैनो तुम्हें एखाने ऐसे चो कल के कैनो ऐसे नहीं, कैनो कि तुम्हार जोनो ही प्रोड्यूसर का एक दिन का पैसा बर्बाद हो गया, जो जूही को बाद में समझ आई। खैर
जो हुआ सो हुआ और आमिर खान की भी गलती थी এখানে কেন কি আমির এরকম যদি না করতো আর হাতে যদি না থুকতো তাহলে জুহি চাওলা কন্টিনিউ করতো ওই চিজটাকে কিন্তু জুহি চাওলা মেনে গেল তারপরে ও শুটের জন্য এসে গেছে শুট করার জন্য মেনে গেল কিন্তু বিচ মে জুহি চাওলা আর আমির খান কে বিচ কোই বাতচিত নাই হই উনোনে ইশক মুভি তো পুরি কি ইসি বিচ আমির খান আর জুহি চাওলা কে বিচ মে 50 গজ দূর কি দূরি রহতি থি ও পাস মে নহি আতে থে জুহি না গুড মর্নিং না গুড নাইট না হাই না হ্যালো কিচ্ছু বলতো না ওকে কিন্তু এই মাঝখানে তারপরে 7 বছর জুহি আর আমির খান কথা বললো না তারপরে কি হয়েছে এখন সব ঠিক আছে কিন্তু ইস ইনসিডেন্ট সে ইয়ে শিখনে মিলতা হ্যায় কি প্র্যাঙ্ক উতনা হি করো জিতনা প্র্যাঙ্ক সামনে ওয়ালা সহ সকে কেমন করে লাগলো আপনার এই স্টোরিটা আপনি জরুর বলবেন কমেন্ট করকে আপ বতা সকতে আপনে সুঝাব ভি আর আপ হামেশা পিকচার পারো কো দেখতে রহিয়ে তাকি পিকচার পারো আপনাদের জন্য নতুন নতুন গল্প এসে যায় আর আপনাকে শোনায় আর আপনারা ভালো পাইলে ওটাকে কমেন্ট করে বলবেন আর বেশি করে আপনারা দেখবেন পিকচার পারো আর সাথে শ্রেষ্ঠ ভারত श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।